हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका ऑनलाइन फ्लूट गुरु महिपत ठाकुर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लूट पे यानी कि बंसरी पे कैसे सरगम बजाते हैं, जो हमारी सरगम है सारे गम प ध नि सा। तो बंसरी पर कैसे बजाते हैं, पहले जो प्रोफेशनल लोग बजाते हैं वो बजा के सिखाऊंगा, बाद में आपको सिखाऊंगा कि कैसे बजती है। ऐसे हमारी सारे गम बजते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सारे गम कैसे बजेगी। तो जो ये पहले तीन होल है, ये तीन होल पहले वाले, वो जो आप दबाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल सा। और इसको थोड़ा आराम से धीमे से फूकना है और थोड़ा धीमा फूक मारना है। अगर धीमा फूक मारेंगे तो इसका साउंड बहुत ही मस्त आएगा। जैसे ऐसे ऐसे बजाना है। अगर आप थोड़ा जोर से फूंक मारेंगे तो इसका सा है ना थोड़ा तीव्र हो जाएगा। इतना इतना आराम से लगाने का है। अब रे कैसे बजता है, ये हो गया हमारा रे। जो पहले के दो होल है उसको दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा रे, शुद्ध रे। और ये हो गया हमारा ग। और ये आधा होल खोलेंगे इतना सा, तो ये हो गया हमारा म। अगर इसको पूरा खोल देंगे तो ये तीव्र म हो जाएगा, इसलिए हमको इसको आधा ही खोलना है इतना। और छः के छः होल दबाएंगे तो ये हो गया हमारा प। अगर पांच होल दबाएंगे तो ये हो गया हमारा द। और छः होल दबाएंगे तो ये हो गया हमारा नी। और ये हो गया हमारा सा। जब ये तीन चार स्वरम बजाते हैं तो इसमें थोड़ा कम फूक लगाना पड़ता है, और जब प ध नि सा बजाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फूक लगाना पड़ता है, थोड़ा जोर से। जैसे कि ये बजाया तो इतने थोड़ा कम फूक मारने का, धीमी फूक लगाने का है। से ये वाले जो स्वर है वो थोड़े ऊंची फूंक लगाना पड़ता है ऐसे। तो ये हो गया हमारा लेसन वन। अब दूसरे लेसन में मैं सिखाऊंगा कि कैसे और भी सरगम बजाई जा सकती है। पहले ये सरगम आप बजाना सीख जाएंगे, बाद में और बहुत सारी सरगम है राग से वो आपको सीखने को मिलेगा। इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको आ जाएगा ये सरगम कैसे बजाते हैं। तो जिसको भी फ्लूट सीखने का शौक है थोड़ा ट्राई करें, आ जाएगा, बड़े आराम से बजाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। ये फ्लूट जो है बहुत आनंद देता है और बहुत ही बजाने में मस्त है। तो आप मेरा ये लेसन आराम से देखिए और बजाइए, और बाद में आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।